हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं वीवो का Y22 वर्सेस वीवो का T1 5G वाला। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता दूं, अगर आपने इन दोनों से कोई भी सेट चला के देखना है, आप बालाजी कम्युनिकेशन शॉप आ सकते हैं। शॉप लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी देखने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इनकी लॉन्चिंग की बात करें, इसको कुछ दिन हुए हैं लॉन्च हुए, इसको कुछ महीने हुए हैं लॉन्च हुए को। अगर हम बात करते हैं इन दोनों के प्राइस के बारे में बात की जाए, तो 14,500 रुपये का आपको सेट देखने को मिलेगा। ये आपको 20,000 का मिलेगा, पर इसमें और भी वेरियंट मिलते हैं, जैसे 16,500, 17,000। इसके रैम ऊपर नीचे होगी, 18 MB ऊपर नीचे होगी, तो इसमें भी आपको मिल जाता है रैम ऊपर नीचे वाला। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लियर हो गया 14,500 और 20,000 का, ठीक है। तो अब सीन क्या है कि आपको इन दोनों में से लुक इसकी देखने को अच्छी लग रही है, ठीक है, पर मुझे इसका ये छोटा कैमरा अच्छा लग रहा है। पर ये 4G है, सॉरी ये 5G है और ये 4G है। वीवो Y22 4G है और वीवो का T1 5G वाला है। इसमें भी 4G आता है पर ये 5G वाला है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल इन दोनों के डिस्प्ले साइज़ की, तो सबसे पहले इसकी डिस्प्ले साइज़ देखते हैं। इसकी डिस्प्ले साइज़ आएगी 6.55 इंच, HD प्लस है, IPS डिस्प्ले है, ठीक है। अगर हम T1 की बात करते हैं तो इसकी जो डिस्प्ले साइज रहेगी वो रहेगी 6.58 इंच, फुल्ली HD प्लस, IPS डिस्प्ले, ठीक है, और 120 हर्ट्ज़ के साथ काम करेगी। डिस्प्ले क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं दोनों के फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरे दोनों बटर ड्रॉप नॉच में देखने को मिलेगी। इसका जो फ्रंट कैमरा मिलेगा वो मिलेगा 8 MP का। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो आपको मिलेगा 16 MP का, ठीक है फ्रेंड्स। प्राइस के हिसाब से आपको इसका थोड़ा कैमरा बेटर मिल जाता है। राइट साइड में अगर चेक करते हैं तो सब दोनों के पोजीशन, पावर लॉक बटन सेम पोजीशन पे है, वॉल्यूम की रोकर सेम पोजीशन पे है। पावर लॉक बटन के ऊपर ही आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगी दोनों की सेम पोजीशन पे। अगर हम लेफ्ट साइड में बात करते हैं, लेफ्ट एकदम क्लीन देखने को मिलती है। आपकी बात करते हैं, सिम स्लॉट दोनों के सेम पोजीशन पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे सेकेंडरी माइक आपको T1 में देखने को मिलेगा। सेकेंडरी माइक का काम क्या है कि ये बैकग्राउंड की साउंड को बहुत कम कर देता है वीडियो बनाते समय या कॉलिंग करते समय, जब आप कॉल पर बात करते हो, ठीक है। इसमें आपको देखने को नहीं मिलता Y22 में। अगर नीचे कहते हो स्पीकर ग्रिल, टाइप सी चार्जर, मेन माइक, 3.5 mm का हेडफोन जैक सेम मिलेगा दोनों में देखने के लिए। अगर हम बैक की बात करते हो तो बैक में आप चेक कर सकते हो। इसमें आपको T1 में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, इसमें आपको डबल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। इसका जो कैमरा रहेगा इसका रहेगा 50 MP प्लस 2 MP, साथ में फ्लैश, नीचे ब्रांडिंग रहेगी आपको वीवो की, ठीक है। इसके कट काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसका जो मेन कैमरा रहेगा वो रहेगा 50 MP पर 2 MP प्लस 2 MP, साथ में फ्लैश, नीचे ब्रांडिंग रहेगी आपकी वीवो की। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं ओवरऑल इनके वेरिएंट की, तो वेरिएंट की बात करते हैं तो इसमें आपको जो वेरिएंट मिलेगा वो मिलेगा 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी, 64GB इंटरनल मेमोरी, 4GB रैम। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें जो वेरिएंट मिलेगा वो मिलेगा 8GB रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी। इसका एक और वेरिएंट है जो आपको 17,000 का मिलेगा, 6GB रैम, 128GB इंटरनल मेमोरी। इसका 16,500 का है, 4GB रैम, 128GB इंटरनल मेमोरी। इसमें भी आपको वेरिएंट मिलेगा जो 15,000 का है, जिसमें कि आपको रैम वही मिलेगी, इंटरनल मेमोरी बढ़ सकती है, ठीक है। फिलहाल इसका एक ही वेरिएंट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन दोनों के प्रोसेसर के बारे में, इसको जो प्रोसेसर मिलेगा वो मिलेगा आपको मीडियाटेक का G70 प्रोसेसर मिलेगा, जो कि 4G है। अगर इसकी बात करते हैं, इसमें जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा Snapdragon 695 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 5G प्रोसेसर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दोनों की बैटरी, दोनों की सेम है, 5000 mAh की बैटरी आपको इसमें देखने को मिलेगी, 5000 mAh की बैटरी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। तो चार्जर भी सेम रहेगा, 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर दोनों में रहने वाला है। तो ये सिंपल सा कंपेरिजन था, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और आपको इन दोनों में से कौन सा अच्छा लगा कमेंट करके बताना। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दो।